नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। अयोध्या राष्ट्रीय दशरथ राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण की जांच की ट्रूनेट मशीन अब लोगों के लिए उपलब्ध होगी। मशीन से एक बार में 4 लोगों का नमूना लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 घंटे बाद उपलब्ध हो जाएगी। इस मशीन से 1 दिन में 40 से 45 लोगों की जांच की जा सकती है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने मंगलवार को ट्रूनेट मशीन के साथ मिड होटल्स की तरफ से लगवाई गई 2 हाईमस्त लाइटों का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कॉलेज हॉल के गेट पर स्थापित कोविड हेल्प डेस्क का अवलोकन किया तथा यहां पर लगी स्कैनिंग मशीन से अपना स्कैनिंग करवाकर उस खासियत के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली। जिसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा किचन में जाकर मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन व उनकी व्यवस्था की देख केयर वर्कर्स को दी जा रही ट्रेनिंग के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती के संबंध CCS के मध्य से अनुभवी चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की जानकारी लेने हेतु स्थापित वार्ड को भी देखा तथा इसके वर्णन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी द्वारा अनुभवी डॉक्टर द्वारा टेलीफोन के मध्य से मरीजों को उपलब्ध कराने हेतु स्थापित टेलीमेडिसिन रूम का भी अवलोकन किया, जिसमें चिकित्सा के विभिन्न विभागों को कुल 12 डॉक्टर तैनात किए गए, जो अपने अपने विभागों से जुड़े मरीजों को टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा। उन्होंने कंट्रोल रूम से CCTV के द्वारा आइसोलेशन बांध का भी निरीक्षण किया। अयोध्या से हमारे संवाददाता अश्वनी सोनकर की रिपोर्ट। सबसे पहले आज मेडिकल कॉलेज में CSR मद के तहत हमें वॉटर्स के द्वारा 2 हाईमस्त लाइट लगाए गए, उनका उद्घाटन किया गया। फिर मेडिकल कॉलेज में सरकार की ओर से 2 मशीन लगाई गई है, ताकि इसमें जो नॉन कोविड जो पोर्शन है उसमें जो इमरजेंसी के लिए आने वाले पेशेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग तुरंत हो सके, यहीं पर हो सके। तो ऐसा 2 मशीन यहाँ पर लग गई है, रोजाना तकरीबन 40 से 45 टेस्ट उसमें हो सकती है, का भी उद्घाटन किया गया। और उसके अलावा जो पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था है जिसमें जो कोविड वार्ड्स हैं उसका CCTV के माध्यम से और बाकी जो अन्य व्यवस्थाएँ यहाँ पे हैं, किचन की व्यवस्था है, स्टोर की व्यवस्था है, वो जो कोविड हेल्प डेस्क है उसकी व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और सब व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलती हुई पाई गई। पूरे प्रदेश में बहुत गिने चुने Level 3 के कोविड हॉस्पिटल से जिसमें ये हॉस्पिटल भी सिलेक्टेड है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पे प्रशासन। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।